नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैसाख का महीना शुरू हो गया है, तो इससे जुड़ी हुई एक और आपको आज कथा मैं सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति खबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करिए। एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। पति बेचारा जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काट कर लाता है, उसका गट्टा बनाकर बेचकर जो कुछ पैसा मिलते हैं उससे दोनों पति पत्नी अपना घर का गुजारा करते। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी बैसाख नहाने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला, पीपल, पतवारी सबको सींचती और मंदिर में एक दिया जरूर जलाती। ऐसा करते उसे एक महीना बीत गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी, तो वो बोली, जितना आप चाहे दे दो, पर मुझे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, उनको मैं खाना खिला सकूं, आप इतना सामान दे दीजिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाने जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा बनाकर उसने ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ खाना खिलाया और दक्षिणा दे दी और स्त्री ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो तो ब्राह्मणों के और भगवान के आशीर्वाद से महल में बदल गई। अब वो पड़ोसनों से पूछने गया तो पड़ोसन तो वैसे ही है ना, जलने वाली होती है, तो उसकी महल या उसकी पूजा पाठ को देखकर वो तो वैसे जल रही थी। तो पड़ोसन बोले कि तुम तो लकड़ियां बेचने जाते हो और तुम्हारी पत्नी इधर से ध्यान, स्नान, पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को खाना खिलाती है, पता नहीं कौन कौन से नियम निभाती है, बाकी तुम जानो और तुम्हारी पत्नी जाने। इतने में उसकी पत्नी आ गई और पति को बोली, ये अपना ही घर है। पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना सारा धन आ गया। तब वह बोली, मैंने बैसाख का महीना स्नान की और भगवान का नाम लेकर पूरा नियम से इसका पालन किया, इसलिए भगवान ने मुझको ऐसा सब कुछ दिया। ब्राह्मण जी माने के लिए रोज आप लकड़ियों के जो गट्ठर लाते थे उनमें से मैं एक लकड़ी निकाल लेती थी और वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन में बदल गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा तो मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया, जिससे ब्राह्मणों को खाना भी खिला दिया और उन्हें दक्षिणा भी दे दी, और ये सब ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से हुआ है, उसका फल भगवान ने हमें दिया है। तब पति को तसल्ली आ गई। दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम के साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसा आपने उस पति पत्नी को आशीर्वाद दिया, उनकी गरीबी दूर की, सिर्फ एक महीना बैसाख का नहाने से उन पर आपने अपनी कृपा बरसाई, वैसे आपका बैसाख का महीना नहाने वालों पर मनोकामना उनकी जरूर पूरी करना, सबको खुशी रखना, सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी बैसाख के महीने से जुड़ी हुई एक कथा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।